खबर मध्य प्रदेश के पवई से आ रही है, जहां बीते 12 घंटे से पवई नगर सहित क्षेत्र में जोरदार बारिश हो रही है। बता दें, बारिश होने के कारण नगर के कई वार्ड में पानी भर गया है। वहीं पवई कटनी मार्ग में चमरहा नाला पर पानी आने से आवागमन बाधित हो गया है। साथ ही लगातार बारिश होने के कारण सिमरिया से सुनवानी से आमनगंज और सुनवानी से छतरपुर मार्ग भी बंद हो गया है। बता दें, शासन प्रशासन ने लोगों से नदी नालों के पास में न जाने की अपील की है। तो ये खबर पवई से आ रही है, जहां बीते 12 घंटे से पवई नगर सहित क्षेत्र में जोरदार बारिश हो रही है। बता दें, सड़कों पर जलभराव की स्थिति हो गई है। पशु कार सब पानी में तैरते हुए नजर आ रहे हैं। वही देख सकते हैं कि क्या हालत हो गई है पवई की, जहां चारों ओर सिर्फ और सिर्फ पानी दिख रहा है, क्योंकि बीते 12 घंटे से पानी बहुत गिर रहा है, बहुत तेज बारिश हो रही है। तो शहर के कई रोडों में जलभराव की स्थिति हो गई है, कई नाले भी उफान पर आ गए हैं। बता दें, कई आवागमन के मार्ग भी बंद कर दिए गए हैं भारी बारिश को देखते हुए, और शासन प्रशासन ने लोगों से अलर्ट रहने के निर्देश भी किए हैं और घर से बाहर ना निकलने की अपील की है। तो जैसे कि मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, वहां भी जलभराव की स्थिति हो गई है। तमाम डैम खोले जा रहे हैं और शासन इसको लेकर काफी अलर्ट दिखता हुआ नजर आ रहा है। अभी भी पवई में भी शासन प्रशासन ने लोगों को घर से ना बाहर निकलने की अपील की है, लोगों को घर के अंदर रहने की अपील की है और सुरक्षित रहने की अपील की है।